चंडीगढ़ से, गाड़ी चेक करना, इसका बटन मत दबाना, गाड़ी खुल जाएगी वहाँ। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कौन है स्टाइलिश बॉय। जो भी कामयाबी करी मैं तो हे भगवती माता से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा ये आ गया मेरा घर। सो फाइनली फाइनली हम पहुंच गए धागे घर, और मुझे तो इस सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरी इच्छा थी धागे के साथ रहने की और बात करने की, दादा तो मुझे अपने गांव ही ले आए। तो क्या बोलते हो आप? कदक गद्दू गद्दू बहुत सारे होंगे देखो। हाँ यार गद्दू गद्दू रखे यार, ये बेल है लौकी की। हाँ टमाटर का पेड़ यार, गाइस टमाटर देख सकते हो आप, टमाटर का पेड़ है, अभी नन्हे नन्हे टमाटर हो रहे हैं। सो फाइनली हम धागे घर पहुंच गए हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुझे इसका बटन मत दबाना, गाड़ी खुल जाएगी वहाँ। गाड़ी खुल जाए पार मैं तुम। तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कौन है स्टाइलिश बॉय। बढ़िया लग रहा है। गाड़ी दिख रही है वहाँ से, देख सकते हो आप गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और दिख रही होगी, रात होगी दिख नहीं रही, थोड़ा साफ नहीं ना लाइट की वजह से, लेकिन थोड़ी छोटी दिख रही होगी आपको गाड़ी सामने। अच्छा भाभी है हमारी बड़ी भाभी, लगभग लगा है पेड़। हाँ दुकान ही वो जो उसमें मिलता है प्लांटरी में मिलता है। हाँ ये लगा, ये वो है, ये बहुत सारे, ये तो नींबू का है। नींबू नहीं है वो है, ये नारिंग बोलते हैं जिसको, ऑरेंज। हाँ ऑरेंज संतरा। अरे वाह संतरा का पेड़ है, इधर उधर के खा दिए, उधर उधर के होंगे वो। अरे वाह अमरूद के पेड़ है, एक तोरा जो जिसमें वो ये ककड़ी के पेड़ है, इधर है ये, और ये यहाँ पे ऐसे बनाते देख सकते हैं आप। ये अरे वाह अमरूद के पेड़ है, एक तोरा जो जिसमें वो ये ककड़ी के पेड़ है, इधर है ये, और ये यहाँ देखो कितना ठंडा हो रहा है इसको, ये ठंडा भी यार शाम को कितना ठंडा ही हो रहा है। मशीन लगाई थी कब? अभी। अब तबीयत कैसी है? तबीयत सही है, अब ठीक है। पहाड़ी नहीं आती इसको, थोड़ा थोड़ा आता है ऐसे बोलिए। आती है पहाड़ी? हाँ आती है। कितनी आती? ज्यादा आती? कम आती है? पहाड़ी थोड़ा हिंदी ना, पहाड़ी नहीं वो हिंदी, हिंदी आती है आपको? नहीं आती है, थोड़ा बहुत तो आती होगी। कहाँ जा रहा है रे? बोलती है सनराइज। मैं 4:30 बजे उठता हूँ ना, कैमरा लगा देता था वो मेरे सामने जहाँ पे, और जियो का टावर नहीं है वहाँ से आता भाई, ऐसे इतना प्यारा लगता ना, ऐसे उजाला होगा फिर खुलता है पूरा। चलो ठीक है दादा, मुझे उठाना है, सन कैप्चर करेंगे पक्का। सुबह तो आप पता ही है, सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। सही है, मुंबई मैं भी उठ जाता हूँ। सो गाइस अभी हम है इंदरदा के होम टाउन में धनिया बागपाली, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो यहीं रहते हैं, यहाँ की नेचर, यहाँ की, यहाँ का वातावरण शांति है पहली चीज तो। गांव है, छोटा गांव है लेकिन मस्त है, यही होता है गांव का, हमारा भी गांव है। गांव बहुत बड़ा गांव, गांव तो बड़ा, लेकिन वैसे ना लोग बाग जैसे होता है कि बाजार में गए तो वहाँ ज्यादा होता है, यहाँ पे हर एक कोने में घर है, हर लोगों की जमीने हैं, अपना अपना सबका अपना सेपरेट है, लेकिन यहाँ सब शांत है, मतलब अच्छा लगता है गांव में आके रहना। और मेरे घर सही जगह में है ना, बहुत शांति इलाके में, बढ़िया है। तो दगड़ी अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, अगर कुछ होता है। हम तो घर पहुंच चुके हैं। जानना सभी के सब कौन है, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कौन है स्टाइलिश बॉय, ठीक है। और ये हमारे दीपक दा, हम गए थे जहाँ अभी आपका अम्बाला, और इसके पापा साहब है, और ये हिमांशु भाई। अरे भाई देखो नींबू है जिसको, मैं तो कहूँ यहाँ पे फ्रिज भी आया हुआ है, कैसे आया हुआ यार? पापा को शुगर की इंजेक्शन लगती है, वो फ्रिज में रखती है, तब हमने फ्रिज लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, इंसुलिन बोलते हैं, बोलते हो? हाँ इंसुलिन, इंसुलिन वो है। दूसरे दूसरे हम प्रैंक कर रहे हैं दादा के साथ। प्रैंक ये है कि चार्जर नहीं लाए, गाड़ी में रह गया, यहाँ से दिखाऊंगा। हाँ दादा मैं तो अपना चार्जर, आप चलोगे मेरे संग गाड़ी पे? आपको और इसका चार्जर उसमें रह गया बैग में यार, चार्जर नहीं है आप दोनों का। छोड़ी मेरा चार्जर,
कहाँ से बना था फिर और एक चीज और है, हमारे अंकल जी इंदरदा के पापा भी होटल लाइन में, तो आज हमारा पूरे सेफ, हमारे आज के सेफ है 30-35 साल है। और देखिए मशीन देखिए, एक मिनट में ही हो जा रही है इसमें बारीक कितना है। अच्छा इससे पीसी है, देख सकते हो आप पहाड़ में भी यहाँ इतना मिल जा रहा है आपको, नहीं तो हम वहाँ मशीन टॉक करके चलानी पड़ती है इलेक्ट्रिक। तो काफी लोग देख रहे हैं क्या मीठा चाय पीते हैं। समझ गया। है ये ओल्ड स्टोर अनाज होगा ना ये तो सारा। अरे वाह यो कुछ हो ये ना, ये पाल होती ना पाल मिट्टी की। हाँ। तो ये ऊपर से जब हम चलते हैं ना तो मिट्टी गिरती है, वो धूल वो पाउडर जैसा। तो इसलिए हमने कपड़ा लगा रहे, तो इसके ऊपर होता है, तो इसको फिर एक ही बार सब निकाल के फेंकते थे। अच्छा। गाँव ये मिट्टी का, इसलिए यहाँ पे गर्मी में ना गर्म नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का काम होता ना लीपते हैं। ये देखो लीपा है नीचे, ये लीपे वाला है ऊपर भी अंदर भी। ये भी देखो ये दीवार भी वही बनी है, हमेशा लीपी जाती ना। तो अंकल आपको कस लगना है? ठीक। आज आप क्या बना रहे हो? चिकन और मटन दोनों। अच्छा चिकन और मटन ना। अच्छा तो आप थोड़ा मुझे बताओगे इंदरदा के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई करी, अपना कैसे आगे का बचपन से वो कैसे रहे, और अब जाके उन्होंने जब इतनी सफलता पाई है तो आपको उन पे गर्व फील होता है, कैसा लगता है? लोग भी आप जब चलते हो कहीं पे भी बाजार में या कहीं पे भी, जैसे कि आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो लोग बोलते रहे तो इंदर के फादर साहब जा रहे हैं, इंदर के पिताजी जा रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों हम एक छोटी से घर से निकले रहे हैं, पहाड़ का कारोबार हमारा, सही बात, गांव के रहने वाले हैं, और तो बच्चे भी आगे को जो भी कामयाबी करे, मैं तो हे भगवती माता से प्रार्थना करता हूं। कामयाबी भी कामयाबी करी क्या है, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो मतलब ये है माता रानी का हुआ है, बाहर विदेशों में तक आवाज गूंज रही है हमारे इंदरदा की, तो उसमें कैसा लगता है कि यार बहुत लोग उनको पूछते हैं, बहुत लोग अच्छा मानते हैं, बुलाते हैं यार दादा हमारे यहाँ आ जाओ, और उनको आगे बढ़ाते हैं लोग, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तो यही एक हर माँ बाप यही चाहते हैं यार कि हमारा लड़का आगे बढ़े, अच्छे से चले, और हमारा होता है कि मेरे बच्चे आगे कामयाबी के वहाँ पहुँचे, और अपने बलबूते पे अपने बुलबूते पे सब चीज कर रखी है, अभी बाइक ली, कार ली, अब घर बनाना जा रहे हैं वो, तो यार आपको तो बहुत ज्यादा नाज होगा ना कि यार हल्द्वानी जैसे शहर में मेन जगह में घर बना रहे हैं, और उनको भी शक्ति आप लोगों से ही मिलती है, उनको भी दागो भी हमारा तो सब ये ऊपर वाले माता रानी का भगपति हमारे ऊपर भगपति है, तो हम देखते हैं हमारे कल गोलू जी के मंदिर में आ रहे हैं, चिरई गोले न्याय के देवता हैं, हम तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा, और अभी तो आगे कामयाबी अच्छे मिले, अच्छा हुए आगे, तो और अभी आगे तो अभी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे बढ़ाएंगे दा को। तो यार यही है हमारे इंदरदा के पिताजी जो जिनसे हमने थोड़ी बातें करी और बताया, तो उन्होंने उनको तो काफी अच्छा लगता है कि उनके लड़के ने उनका नाम रोशन किया है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल से दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि यार इंदरदा कैसे रहते हैं, कैसा है उनका गाँव, उनकी फैमिली, उनके फादर साहब, तो ये चीज दिखाई जाएगी अंकल, तो आपको भी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? चलो सही है। तो ये छोटी सी बात, दो बातें करी हमने इंदरदा के फादर से, तो बने रहिएगा आज ब्लॉग में। नहीं नहीं ला 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 शंपू से नहाया कोई? पानी गर्म हो रहा, टाइम लग जाएगा दोस्त, रोड खराब हो रखी, पापा बोल रहे। तो दगड़ियों सभी को प्यारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे चितई गुलजू जाकर सहम माता मंदिर, और अभी नहाते धोते हैं, उसके बाद फिर नहा के धो के तैयार होते हैं, जाते हैं चाय पियेंगे, और दरअसल सुबह सुबह कोई अलाप सुना दो यार। हो जट्ठी है
सुबह गई है, सुबह हो गई है और अभी हम सब उठ रहे हैं हल्के हल्के करके दादा जो जा रहे हैं हाथ मुंह धोने और अपना नहाने, उसका फिर हम जाएंगे। थोड़ा मैं अपना ब्लॉग को एडिट कर रहा था और रिजाइंडर पे लगा के आज पोस्ट करूंगा, सुबह के 8 बजने वाले हैं, ब्लॉग आ जाएगा तो बने रहेगा। आज ब्लॉग में नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है।